बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तरा लेके वापस जाना पड़ा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहाँ तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती लगातार सरकार के खिलाफ आग उगल रही है, और अब जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है तो महबूबा मुफ्ती फिर से जहर उगलने में लगी है। पीडीपी नेता ने कुलगाम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मोदी सरकार को ही चेतावनी दे दी, और उसके बाद किस तरह से महबूबा मुफ्ती को जवाब मिला वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि महबूबा मुफ्ती ने किस तरह से भारत सरकार को चेतावनी दी। उसके लिए हिम्मत चाहिए, सब्र के लिए हिम्मत चाहिए, बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तरा लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी, उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशख्स आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये तो लगता है कि हम बड़े छोटे से, यहाँ क्या, ये क्या कह रही है, ये क्या बिगाड़ेगी। मगर कभी कभी एक चींटी जो हाथी के सूंड में घुस जाती है तो वो उसका जीना हराम कर देती है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती को करारा जवाब दिया और बता दिया कि उन्हें किसी तरह की गलतफहमी है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है जो जवाब देना अच्छे से जानती है। महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यहाँ तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहां तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। मिट्टी में मिला के रख देंगे उन सभी ताकतों को जो भारत देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने बहुत बड़ा अपराध किया है, राष्ट्रद्रोह किया है। जम्मू कश्मीर के लोग वतन परस्त लोग हैं, दिल से हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग। जम्मू कश्मीर के लोगों ने शान से तिरंगा झंडा बुलंद किया है और भारत माता की जय जयकार की है, और पाकिस्तानियों की अलगाववादियों को और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ बढ़ चढ़कर योगदान किया है। आज जब महबूबा मुफ्ती को उसकी जमीन खिसक गई है जम्मू कश्मीर में, आज जब जम्मू कश्मीर की जनता ने महबूबा मुफ्ती को रिजेक्ट कर दिया है, तो महबूबा मुफ्ती को तालिबान याद आ रहा है क्या? महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के अंदर तालिबानी राज चाहती हैं, जिस तालिबान ने आज अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया है, जिस तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं की हत्याएं कर दी, उनके मानवाधिकारों का हनन कर दिया, बच्चों का कत्ल, बुजुर्गों का कत्ल, नौजवानों का कत्ल, वहां के जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वहां के खिलाड़ी हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, क्या महबूबा मुफ्ती तालिबान जैसे निजाम को चाहती हैं कश्मीर में? महबूबा मुफ्ती के इस षड्यंत्रकारी एजेंडे को किसी सूरत में हम यहां कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि महबूबा मुफ्ती नफरत की राजनीति कर रही है। जम्मू कश्मीर के
शांति प्रिय अमन चैन में वो जहर घोलने का काम कर रही है। महबूबा मुफ्ती की इन गीदड़ भरी धमकियों से, गीदड़ भपकियों से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तालिबान हमने 1990 के दशक के बाद भी जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था तो देखा था और सारी दुनिया ने देखा था कि इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों ने यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर, स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर हमने क्या तालिबान, क्या लश्कर जैश सबका सफाया किया है। आगे भी जो देश की एकता और अखंडता, संप्रभुता, जो हिंदुस्तान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरनिटी है, इसको अगर कोई चैलेंज करेगा तो उसको धूल में मिला दिया जाएगा, उसका सर्वनाश कर दिया जाएगा। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। महबूबा मुफ्ती गंदी राजनीति कर रही है और महबूबा मुफ्ती के इस राष्ट्रद्रोही एजेंडे को किसी सूरत में ना तो जम्मू कश्मीर की जनता यहां स्वीकार करने वाली है और ना हम लोग महबूबा मुफ्ती के इस षड्यंत्रकारी एजेंडे को यहां चलने देंगे। महबूबा मुफ्ती के दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक में पाकिस्तान है और अब दूसरे में तालिबान आ गया है। देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती का यह तालिबानी प्रेम आखिर कब तक चलेगा। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।